हमारे साथ हैं दिग्गज भाजपा नेता गिरिराज सिंह, आइए बात करते हैं उनसे। सर, एनडीए ने परचम लहरा दिया है, क्या कहेंगे इस जीत को? देखिए, 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ और हम लोगों ने पहली बार को मुद्दा बनाया, और जबकि बहुत मुद्दा एस्टैब्लिश नहीं हो पाया पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में, इलेक्शन एजेंडा के रूप में, लेकिन बिहार की जनता ने विकास शब्द का स्वाद चखा और उसने 40 लोकसभा की सीटों में 32 लोकसभा की सीटें बीजेपी जदयू गठबंधन यानी एनडीए को देने का काम किया। तो मतदाता का रुझान तो पिछले ही वर्ष आ गया, और हम जो एक साल में और ज्यादा काम किया, तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक विश्वास जगा। ये पहली बार बिहार में जो चुनाव हुआ, हम समझते हैं 30-40 वर्षों के दौरान निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव वोटें होती थी, अगेंस्ट द इंदिरा गांधी इमरजेंसी, सेम्पैथी इंदिरा गांधी के मरने के बाद सेम्पैथी वोट, चाहे लालू जी को हटाने का मुझे जो विकल्प के रूप में मुझे मिला, और ये नीतीश कुमार सुशील मोदी की जो जोड़ी चाहत के रूप में, यानी पॉजिटिव वोट मिला। और महिलाओं का मैं समझता हूं कि बहुत ये महिला वंचित समाज, हम लोग बोलते हैं महिला, दलित, अति पिछड़े, जो वर्ग वोट नहीं डाल पाता था, उन लोगों का जो वोट पर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो वोट सरकार के पक्ष में आया, वोट लैंडस्लाइड विक्ट्री का कारण बना। सर, लालू जी कह रहे हैं रहस्यमय चुनाव परिणाम आए। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी अभी भी समझ रहे हैं कि वही बात बनाने से वोट मिलेगा, बात बनाने से वोट नहीं मिलता है। लालू जी के टोटल चुनाव चुनावी एजेंडा देख लें, भाषण में क्या कहते थे, बड़े माछ छोर आलू चोखा। तो लालू जी बात बनाने का काम गया करवाना, जो पहले लोगों को कहते थे रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोंचा वाला, तो गरीबों को उस समय लगता था कि कोई मुख्यमंत्री मुझे पुकार रहा। लेकिन केवल पुकारने से नहीं होगा, नीतीश कुमार ने, सुशील मोदी ने गरीबों को केवल पुकारा ही नहीं, केवल सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उनके आर्थिक उत्थान की चिंता की, उनके सामाजिक उत्थान की चिंता की, उनके सैन्य उत्थान की चिंता की। तो वो जो टच किया, वो अपने को खड़ा पाया वहां, लालू जी केवल भाषण देने का काम किया। अभी भी लालू जी को सुधरने का मौका है, लालू जी विश्वसनीयता नहीं बनी। जो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या लालू यादव, तो लोगों की लाइकिंग हुआ नीतीश कुमार। ये जीत का सबसे बड़ा कारण है विश्वास, पॉजिटिव वर्क, डेवलपमेंट, अमन, चैन, शांति। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र में लालू यादव और रामविलास पासवान दोनों का सुपरा साफ हो गया है, कल विधानसभा चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, उसमें भी देख रहे हैं सुपरा साफ हो गया है, तो आपकी क्या नसीहत है कि वो राजनीति छोड़कर खेती गृहस्थी संभालें? देखिए, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि खेती गृहस्थी संभालें या फैक्ट्री चलावें, वो जाने, लालू प्रसाद जाने, रामविलास जी जाने। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब वो जमाना चला गया जो बात बनाने से और सेंटिमेंटल एक्सप्लाइटेशन, कास्ट ये एक्सप्लाइटेशन, या कहा जाए उसको समाज में जो उन्होंने जहर बोने का काम किया, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, आज समाज नहीं चाहता है। लालू जी अभी भी अपनी विश्वसनीयता बनावे, रामविलास जी विश्वसनीयता बनावे, परिवारवाद को छोड़ करके लोहिया के सिद्धांत को अपनाते हैं तो जनवाद में आवे, परिवारवाद भी उनके लिए बहुत बड़ा घातक है। क्या है लालू जी के पार्टी में कौन, लालू जी, राबड़ी जी उनका बेटा, ये तो रिलायंस की कंपनी, टाटा बिरला की कंपनी हो गई। रामविलास जी की पार्टी में कौन,
रामविलास जी, उनके भाई, उनके भाई, उनके दामाद, उनके बेटे, यानी ये फैमिली लिमिटेड कंपनी हो गई। अब कोई कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं लेगा, अब कोई रामविलास पासवान भी नहीं पैदा लेगा, अब कोई लालू यादव भी नहीं पैदा लेगा, क्योंकि आरजेडी में अब कोई लालू यादव की जगह पे नहीं बन जा पाएगा। अब कोई एलजेपी में रामविलास पासवान के स्थान पर कोई रामविलास पासवान नहीं जाएगा, वो आएगा या तो लालू यादव के बेटा का बेटा जो होगा वो, नहीं तो रामविलास पासवान का बेटा का बेटा। इस नब्ज को भी पहचानने की जरूरत है। सर कहते हैं अगर दुश्मन टक्का हो है, विधानसभा जो नया विधानसभा आने वाला है उसमें सर हम देखेंगे कि रामविलास पासवान, लालू यादव का पूरा खानदान साफ हो गया है, तो आपके हिसाब से अब हंगामा कौन करेगा? देखिए ये तो दुखद घटना है, लोकतंत्र में हंगामे का कोई स्थान नहीं है। जो आरजेडी की संस्कृति रहा इसके कारण वो स्वरूप बदल गया विधानसभा में। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक है कि सरकार की गलतियों को उजागर करना, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना। एक विपक्ष ने उन सारी चीज़ों को भूल करके विपक्ष का मतलब हंगामा खड़ा कर दिया। अब तो एक सशक्त विपक्ष भी नहीं रहा है, ये जिम्मेवारी भी सरकार को ही निभानी है। दोनों काम सरकार इतने अच्छे ढंग से काम करने पड़े, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई है इस सरकार पे कि मैं समझता हूँ कि मेरे सामने ये बहुमत तो अपार बहुमत मिला है, आज़ादी के बाद से किसी भी दल या गठबंधन को इतना स्ट्राइकिंग रेट नहीं मिला है। उसके बावजूद भी ये चुनौती भरा ताज होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे शपथ ग्रहण के बाद जो रस्सी है वो शुरू हो जाएंगी मंत्री पद के लिए, तो आप क्या कहते हैं कि भाजपा क्या पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा सीट लेंगी? ये बड़े नेता लोग तय करेंगे, ये मुझे जो काम मेरे जिम्मे है मैं उतना ही करता हूँ। बड़े नेता आए हुए हैं, अरुण जेटली जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अनंत कुमार जी, सौदान सिंह जी, ये सब दिल्ली से आए हुए हैं, वे लोग बैठ के तय करेंगे, जिनका जो काम है वो करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।